वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना ज्यादा रेडी क्यों हूँ। तो जस्ट मैं अभी एक मेकअप वीडियो फिनिश की हूँ और उसके बाद ही ये वाला वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, तो इस वजह से कुछ इस तरीके के लुक में आई हूँ आज मैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है अपर लिप्स की प्रॉब्लम को लेके। सही बात है, बहुत सारे लोगों को ना अपर लिप्स करवाने में काफी प्रॉब्लम होती है, धागे से निकालने में। देखिए, यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन में काफी फर्क होता है। ये स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जैसे यहाँ के हम हेयर निकालते हैं इतना पेन नहीं होता है जितना यहाँ के निकालने में होता है और यहाँ के निकालने में होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ईजी सा प्रोसेस बता देती हूँ। आपको करना क्या है, एक रिका वैक्स ले लेना है। वैसे तो चॉकलेट या कोल्ड वैक्स भी आप कर सकते हो, लेकिन रिका वैक्स पेन लेस जो है होता है, इसमें पेन आपको समझ में नहीं आएगा। करना किस तरीके से वो मैं अभी आपको जस्ट बता दे रही हूँ कि कैसे आप करेंगे। तो ये वैक्सिंग आप एक डब्बा जो है खरीद के अपने पास में रख लीजिए, आप जो है घर पे ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ना अपनी अपर लिप्स के साइज के हिसाब से इस तरीके से स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। ओके, एक कट की हूं और दो स्ट्रिप्स में, वैसे तो एक में हो जाएगा लेकिन आप दो कट कर लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये हो गया और वैक्स मैंने जो है गर्म करने के लिए रख दी हूं और अभी जस्ट मैं आपको करना बताती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किसे करना कैसे है। रिका वैक्स करने के पहले हमें अप्लाई करना होता है कोकोनट ऑयल। तो हमें जिस भी एरिया में वैक्सिंग करनी वहाँ पे आप लगा लेंगे। तो मुझे सिर्फ अपर लिप्स में करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं लगा लूँगी। ये देखिए, और जिनको भी थ्रेड धागे से करवाने में बहुत ज़्यादा पेन होता है अपर लिप्स, तो आप इस तरीके से करें। और एक बात ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि अपर लिप्स अगर आप वैक्सिंग से क्लीन करते हो ना, तो वो डीपली क्लीन होता है। मतलब इससे जो छोटे बड़े जैसे भी हेयर हैं वो बहुत ही इजीली निकल जाते हैं एक ही बार में। अप्लाई कैसे करना है वो भी आप देखते हुए चलिए। तो आराम से एक पतली लेयर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा भी अगर वैक्स लग जाता है ना, तो वहाँ के हेयर वो पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। उसके बाद में इस तरीके से पट्टी को आप चिपकाएंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। एक हाथ से आप अपने चिक को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और इस दूसरे हाथ से खींच देंगे। इसके बाद में एक तरफ के हिस्से को आप फोल्ड कर देंगे और जो बचा हुआ वैक्स है आप उसको इस तरीके से चिपका के खींचेंगे। बहुत ईजिली निकल जाता है और धागे से निकालने में काफ़ी ज़्यादा पेन भी फील होता है, और जैसे कि बहुत बारीक हेयर होते हैं तो वो अच्छे से निकल भी नहीं पाते हैं। उसके बाद में दूसरी तरफ भी सेम वैसे ही हम कर लेंगे। तो आज के बाद जिनको भी डर लगे आप इस तरीके से करिए। और ये जो रिका वैक्स है इसका मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और ये तो आप घर पे खुद भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि आप पार्लर जाके ही करवाएं। बस एक हाथ से आप जो है स्ट्रेच करेंगे और दूसरे हाथ से खींचेंगे। तो बस इस तरीके से आपको अपनी वैक्सिंग जो है कम्प्लीट कर लेनी है। और देखिए, जब हम खुद से करते हैं वो उतना पेन हो या ना हो, लेकिन हमारी आईज क्लोज हो ही जाती हैं। लेकिन धागे से क्या होता है कि जब थोड़े थोड़े हेयर निकलते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जलन पेन फील होता है, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत ही आराम से क्लीन हो जाएगा और बहुत ही मतलब पूरा डीप क्लीन होता है। उसके बाद में फिर से आप जो है कोकोनट ऑयल लगाएंगे और जो भी उसमें थोड़ा भी बचा होगा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये वाटर से क्लीन नहीं होता, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे टोनर अप्लाई करूँगी और उसके बाद में सीरम लगा के ऐसे ही छोड़ दूंगी। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो आप सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे आप लोग और किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए आप लोग मुझे बताइए, उसी के हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगी। कटिंग वगैरह तो आपको मिलते रहेगी, मेकअप भी आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से मैं सारे सोल्यूशन देते रहूँगी, ताकि आप लोग हेयर कट के साथ साथ बाकी और भी काम अच्छे से सीख सकें। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। कल मिलते हो एक और अच्छी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।